हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम पर। और मैं आज कैपेसिटर का सेकंड पार्ट लेकर गया हूँ। और ये गर्मी परेशान करके रखा हुआ है, पिछले वीडियो में तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था, आज देखते हैं क्या क्या करता है, है ना। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें सीखी थी, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या था, एक स्टोरेज डिवाइस था, है ना। ये क्या था, एक स्टोरेज डिवाइस है ना, विच गिव्स, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है तुरंत चुटकियों में। और जो मोबाइल का फ्लैश है, ये सब सीखे थे, है ना, इस पे बात किए थे, मोबाइल का फ्लैश वगैरह ये काम करता है, मतलब खत्म, ठीक है। उसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर बाद में हम इसको चार्ज करते हैं, चार्जिंग का पूरा फेनोमेना है, उसको हम समझेंगे, पूरा का पूरा फिजिक्स है, लेकिन ऐसा काम यही है ना, समझा बात। और कोई भी स्टार्टिंग वगैरह करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, डिवाइस को यूज करते हैं इसका स्टार्ट करने के लिए, है ना, किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो चार्ज हम किसी भी बॉडी पे कंडक्टर पे करते हैं, ये कंडक्टर की पूरी कहानी है, बाद में हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। तो कंडक्ट जिन्होंने नहीं देखा भाई पहले देखो पीछे का। तो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो सप्लाई करते हैं चार्ज के कारण। किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज अगर सप्लाई करेंगे, एक कंडक्टर था इसके ऊपर अगर हम चार्ज देंगे, इसी कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं भाई, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो Q बराबर हो जाएगा CV, ठीक है, कांस्टेंट देंगे प्रोपोर्शनल डेटा करके। तो C जो है यही हमारा कैपेसिटेंस है, C क्या है हमारा कैपेसिटेंस है, और है यही इसका यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, C बराबर देखो तो Q अपॉन V होता है क्या, ये तो हो गया कूलम्ब, है ना, अब बाय वोल्ट, सिंपल है क्या, कूलम्ब पर वोल्ट, बेसिकली इसी बोलते हैं फराड, क्या बोलते हैं इसको, फराड, ठीक है। फराड जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है ना, इन प्रैक्टिकल वी यूज मैक्रो फराड, है ना। तो यहां पर याद रख लेना कि फराड इज वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है, हेंस वी यूज ओनली माइक्रो फराड, है ना, माइक्रो फराड। तो एक माइक्रो फराड बराबर क्या हो जाएगा, माइक्रो मतलब याद है ना, 10^-6 होता है, 10^-6 फराड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को सवाल दिया रहेगा उसमें रहेगा 2.5 माइक्रो फराड, तो हमको बाद में इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसा यूनिट हमारा फराड ही है, कोई दिक्कत, कॉपी कर लो, इतना सब बात हम लोग सीखे हुए। इसके डायमेंशन वगैरह भी निकाल सकते हैं ना, इसके डायमेंशन क्या देंगे, अगर हम डायमेंशन लिखे तो चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, आई टी होता है ना, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, आई इंटू टी, और वोल्ट, वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, देखो याद करो, वर्क बराबर होता है वी इंटू क्यू, अगर नहीं याद होता है तो ऐसे बनाओ, वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्यू की जगह फिर से लिखोगे आई टी, यानी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी स्क्वायर। और वर्क का जानते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि वर्क क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस में टू। तो इसको थोड़ा बस ऊपर लेके चले जाना है, है ना, तो मेरा डायमेंशन बन जाएगा, कितना हो जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी पावर फोर और आई स्क्वायर, है ना, कुछ इसी तरह का बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना। हाँ एक चीज तुम लोग से बता देते हैं, लिखते लिखते कुछ पता नहीं चलता कि क्या गलत हो रहा है, कॉन्सेप्ट बस समझो, है ना, कुछ कुछ चीजों को थोड़ा अपने से भी करेक्ट करते रहना है ना, बहुत सारा चीज मेरा मिसिंग हो जाता है ना, रोहित वगैरह बताते रहता है कि यहाँ पर आप गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, तो थोड़ा उसको करेक्ट करते रहना है, ठीक है ना, इसको, क्योंकि लिखते लिखते पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं है ना जी, बहुत दिक्कत होता है इस चीज में, कम्युनिकेशन गैप तो है साफ, ठीक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है, कॉपी करो। अगला टॉपिक है हमारा चार्ज, है ना, शेयरिंग बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर,
हम लोग इसको पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं कि दो कंडक्टर था, है ना, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, और इसके ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं Q1 है, इसका चार्ज है Q2, तो दिक्कत है, और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस जो है वो C1 है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, C1 है, और इसका कैपेसिटी C2 है, तो दिक्कत है। तो बाद में क्या किया हमने, हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बाद में हम इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, याद है, जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का मूवमेंट होता है तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं इस कारण से जो पोटेंशियल बना होगा वो V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, तो V1 और V2 क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बराबर CV, याद रखो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 अपॉन C1, है ना, Q1 अपॉन C1, और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C2, शुरुआत में हो जाएगा। और एक और रिलेशन हमको पता है कि यहां पर का पोटेंशियल, मान लेते हैं इधर से इधर की तरफ भी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे यही मेरा हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो बाद में इस दोनों का क्या हो जाएगा, जब फाइनली कुछ हो जाएगा, उससे कुछ चार्ज इधर की तरफ जाएगा, पड़े नहीं सब, तो इस तरह से इसका कुछ तो पोटेंशियल ये चार्ज होगा, इसके ऊपर बोलते हैं Q1 डैश, इस पे बोलते हैं Q2 डैश, है ना, तो इस कारण से जब ये हो चुका है तो हम बाद में करेंगे इसका पोटेंशियल V0 हो चुका है, जब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का, कॉमन पोटेंशियल दोनों का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, और इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका भी कैपेसिटेंस C2 है, ये जो कैपेसिटी तो ये है ना, तो बता दो यहां से अगर हम लिखे कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टिंग देम विथ वायर, है ना, वायर से हम इन दोनों कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा ना, दैट्स अ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, क्या जो कॉमन पोटेंशियल V बराबर Q / C होता है, तो Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2, सिंपल है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा Q2 डैश अपॉन C2, समझ में आ गया बात। अब एक बात बताओ, हमको एक बात तो पता है कि शुरुआत में जो इतना चार्ज था बाद में भी तो उतना ही चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, शुरुआत में जितना चार्ज था उतना ही बाद में रहेगा, तो अगर हम शुरुआत के चार्ज को लिखें तो क्या लिखेंगे, V1 C1 प्लस में V2 C2, है ना, अब बाद के बारे में क्या लिखेंगे, बाद का जो चार्ज होएगा, बाद का चार्ज क्या लिखेंगे, Q1 डैश बराबर C1 × V0 लिखोगे, है ना, तो C1 × V0 प्लस C2 × V0, यहां से V0 कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो, है ना, तो V0 बराबर जो कॉमन पोटेंशियल है उसको क्या लिख सकते हैं, V1 C1 प्लस में V2 C2 अपॉन C1 प्लस में C2, ये हो गया सर कॉमन पोटेंशियल, ये क्या हो गया इसका कॉमन पोटेंशियल, तो हम यहां से जो ये V0 है हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन C1 प्लस में C2, समझ रहे बात, अच्छा C1 V1 क्या था, देखो तो C1 V1 क्या था, Q1 था क्या, C1 V1 क्या था, Q1 था, तो यहां से अगर हम इसको और बेटर तरीके से लिखें कि V0 जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा वो तो हो जाएगा हमारे पास Q1, है ना, प्लस में Q2 अपॉन C1 प्लस में C2, ये भी याद रख लेना है, इसमें कॉमन पोटेंशियल हो गया यहां से, यानी कि अगर हम बोले कि दो कंडक्टर है जिसके कैपेसिटेंस दिए हुए हैं और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, हमने ऑलरेडी दिया हुआ दोनों को, अगर हमने कनेक्ट किया तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो देखो Q1 प्लस में Q2 अपॉन C1 प्लस में C2, सिंपल हो गया, है ना, कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटी सॉरी कंडक्टर, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग देम विद द कंडक्टर, इज इट ओके, समझ में आ गया मेरा बात यहां तक। अब हम अगर यहां से अगर हम Q1 डैश निकालना चाहते हैं, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश का वैल्यू क्या लिखोगे, Q1 डैश बराबर C1 × V0 लिखोगे, V0 का वैल्यू आपको पता है ना, तो अगर यहीं पर लिखते हैं, है ना, यहां तक कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, कॉपी हो गया, हाय गर्मी 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 क्या बात है, गर्मी में गाना ही याद आ रहा है नहीं जी, ठीक,
है ना। तो अगर हम बोल दें कि Q1 डैश क्या हो जाएगा, है ना, चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग देम, है ना, ये क्या हो गया, चार्ज ऑफ कंडक्टर आफ्टर कनेक्टिंग देम बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 into V0, C1 into V0, V0 का मतलब ये है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 V0 की जगह क्या लिखोगे, Q1 प्लस में Q2 अपॉन C1 प्लस में C2। सिमिलरली Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2 Q1 प्लस में Q2 अपॉन C1 प्लस में C2। समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों का चार्ज भी हम निकाल सकते हैं अब इस तरह से। एक सवाल ऐसा आ सकता है ना, कवर कर लो इसको, इसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे बात करते हैं, जल्दी से खत्म करो इसको। दो कंडक्टर है, इस दोनों को हमने कनेक्ट किया है ना, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमको एक बात पता चल चुका है कि कंडक्टर का जो शेप होना चाहिए उसमें इरेगुलरिटीज नहीं आनी चाहिए, ये सारे के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अगर इरेगुलरिटीज आता है, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का कनेक्शन बनता है यहाँ पर, बहुत जल्दी चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा बहुत ज्यादा, और जल्दी यहाँ पर चार्ज होगा तो यहाँ से डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे बादल कड़क रहा था, है ना, बिजली गिर रहा था, वो यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर जितना शार्प एज बनेगा वहां पर कैपेसिटी उसकी बहुत खराब होगी, क्योंकि वो चार्ज जल्दी लूज भी कर देगा, है ना, डिस्चार्ज होगा चार्ज तुरंत। तो हमको चार्ज को होल्ड करके रखना, चार्ज को भगाना नहीं है ना, इसीलिए हमको चाहिए यहाँ पर इस तरह का शेप नहीं चाहिए, हमको एक रेगुलर शेप चाहिए, है ना, तो ये बात भी दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो पहला है हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर हमने कुछ चार्ज दे दिया है, ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है कुछ r है, और इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दे दिया। जैसे चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इन्फिनिटी तक जाएगा, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे इसके बारे में, ठीक है, बस एक बार फिर से लिख लो, है ना, अगर लिख सकते हो तो अपने से बना लो जल्दी कि हम कैसे कैसे सर कैपेसिटेंस निकाले थे। तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है, सी बराबर होता है क्या, क्यू अपॉन भी होता है, तो भाई चार्ज हमको पता है ना, और वोल्टेज ही पता है, जैसे चार्ज देंगे इसके कारण इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, हम चार्ज यहाँ सरफेस पर दें, सरफेस का पोटेंशियल लिखेंगे, सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, तो क्यू से क्यू खत्म हो गया, तो हो गया आर अपॉन के, तो सॉल्व करेंगे, के की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, सबको पता होना चाहिए का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हवा में, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर सी का वैल्यू, ठीक है। और अगर आर का वैल्यू 1 ले लेते थे याद है ना, 1 मीटर तो कितना घटिया कैपेसिटेंस मिला था, ठीक है, छाप लो। इसके बाद अगला के ऊपर बात करते हैं, क्या दिक्कत होगा। अच्छा हाँ, एक बात हम ये भी सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके कारण से ही शायद कैपेसिटेंस हमको घटिया मिल रहा है, हमको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड करना पड़ेगा किसी रीजन में, जितना छोटा रीजन में हम कन्फाइंड। अब हम पागल हो जाएंगे ना, दिन भर इंतजार करते हैं, रात भर इंतजार करते हैं, कब ठंडा होगा थोड़ा, क्योंकि देखो गर्मी है, हम भी परेशान हो रहे हैं, कैमरा उससे ज़्यादा परेशान है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कैमरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक बोले थे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम उसको कन्फाइंड करना चाहते हैं छोटे रीजन तक, है ना। तो चलो ठीक है, इसके आगे स्टडी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो इसको, हो गया ना कॉपी, अगली की तरफ बढ़ते हैं। ये बता ही चुके थे, बहुत परेशान करके रखा है, गर्मी कब तक खत्म होगा जी, क्या पता, ठीक है, दो तीन दिन में इतना परेशान करके रखा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मोबाइल बंद हो जाता है सीधा, अब इंतजार करो ठंडा होने को, पाए ठंडा क्या होगा, मतलब टेम्परेचर आई थिंक 35 पर 40 पहुंच के बस बंद हो जाता है। अगला है हमारे पास सेकेंड नंबर में, ध्यान से देखना, अगर हम कह दें कि एक कंडक्टर है ये और एक और कंडक्टर है ये, ठीक है, और इसका रेडियस है स्मॉल ए और इसका रेडियस है स्मॉल बी, हम इसे धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मेरा टेम्परेचर इतना बढ़ जाए ना, बस हम ही बंद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, से हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ चार्ज क्यों रखे हैं, प्लस में चार्ज, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो सब का सब यहाँ माइनस में क्यों चार्ज पे पहुंच जाए, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो आर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, है ना, इस दोनों के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह से कैपेसिटेंस हमको दिखेगा। पहला बात यहाँ पर ये याद रखना है कि हमको कैपेसिटेंस निकालते वक्त, है ना, अभी से आप समझ लो, हमको चाहिए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, यानी क्या होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। चार्ज किसका चाहिए, एनी वन ऑफ देम नहीं चाहिए, चार्ज चाहिए हमको पॉजिटिव सरफेस का चार्ज, ठीक है। यहां पर जितना चार्ज होगा उतना ही यहां पर भी आना चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए पॉजिटिव वाले का चार्ज, तो चार्ज हमको दिख रहा है। अब सेकेंड हमको चीज चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। अगर हम इसको कह दें ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है, तो हम इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तब पहले लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए इसके खुद के कारण जो होगा के क्यू अपॉन ए हो जाएगा इसका, पढ़े है ना ये। और इसके कारण यहां पर कोई पोटेंशियल बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोल के रखा है इन्फिनिटी पर, तो ड्यू टू बी हो जाएगा जीरो, है ना। पोटेंशियल लिखते हैं ड्यू टू ए, ड्यू टू बी दोनों चार्ज है, उस कारण से बात करते हैं। तो इसके कारण इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो रहा है, के क्यू अपॉन ए, है ना। और बात समझ रहे, ठीक है। और उसी तरह से वी बी के बारे में क्या ख्याल है, तो बी पर इसके कारण कुछ पोटेंशियल नहीं बनेगा, लेकिन इसके कारण तो पोटेंशियल बनेगा, लेकिन हो जाएगा निगेटिव में, ठीक हो जाएगा माइनस में के क्यू अपॉन बी, ठीक है। तब हम निकालना चाहते हैं वी ए माइनस में वी बी, नहीं निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस माइनस दिस करेंगे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए प्लस में के क्यू अपॉन बी हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहां साफ दिख रहा है के क्यू वन अपॉन ए प्लस में वन अपॉन बी हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहां हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी, है ना। ये हो गया यहां से, ये हो गया वी ए प्लस में वी बी, है ना, वी ए माइनस में वी बी। तो हमको पता है c बराबर होता है q अपॉन वी, है ना। तो वी बी आ चुका है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन डेल्टा v, मतलब चार्ज तो ठीक है ठाक है, इसका जगह पे लिख देते हैं q ए प्लस में बी ऊपर जो है फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी। तो क्यू से क्यू खत्म हो गया, यहां से निकला फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन ए प्लस बी। दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। इज दैट ओके, सिंपल था। कैपेसिटेंस निकालने का सिंपल तरीका यही है कि पहला बात तो हमको चार्ज चाहिए, चार्ज हम डाल देंगे किसी के ऊपर, उसके अनुसार दूसरे बोलेंगे भाई उतना ही सेम चार्ज यहाँ पर लेके आओ, तभी हम काम करेंगे। नहीं, अगर सेम चार्ज है तो बहुत दिक्कत होगा, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी से हम निकाल सकते हैं, या फिर हमको वही फिर ये या तो ऐसे करने आता है तो कर लो, क्योंकि अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू पता था तो हमने उस तरह से काम कर लिया। अगर नहीं पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, एक तो फॉर्मूला पता है ई डॉट डी आर वाला, है ना, ये भी यूज करेंगे आगे जा करके, है ना। कॉपी करो इसको, ये चालू है कैमरा, चालू है, हम कहते हैं सारा मेहनत बर्बाद हो गया, बच गया जी। चलो जल्दी जल्दी इसको कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। थर्ड वन, इसको जनरली हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी बना लेते हैं एक बार, है ना। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास इस तरह से एक स्फेरिकल सेल है, और इसके बाहर में भी हमने एक स्फेरिकल सेल लगा के रखा हुआ है, और इसका रेडियस हम कह रहे हैं स्मॉल ए, और इसका रेडियस हम कह रहे हैं बी, है ना। और इस पर हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज रखा, और प्लस है तो पता है ना अंदर में कोई चार्ज नहीं है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, ये सब तो सब सीख चुके हम लोग, ये पूरे पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसी कारण बाहर में प्लस चार्ज होगा। जैसे प्लस किए तो बाहर में हमने अर्थिंग कर दिया, तो बाहर में होंगे चार्ज जीरो, तो बाहर में हम नहीं रखे हैं चार्ज। तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो प्लस से माइनस के बीच में, ये बीच में कंडक्टर नहीं है, हॉलो है ना, ये भी हॉलो स्फीयर है, ये भी हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं, खाली है ना। इस पॉइंट का नाम करते हैं ए, इस पॉइंट का नाम करते हैं बी, ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात। अब हमको कुछ नहीं करना, चार्ज तो हमको पता चल चुका है क्यों है, हमको पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी करना है, मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, ये सिखा चुके हैं आप, है ना, कितना बार हो चुका है। तो इसके कारण यहां पर चार्ज है क्यू और इसका रेडियस है ए, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखे ऐसे करके ड्यू टू ए और यहां पर ड्यू टू बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर पोटेंशियल इसके कारण निकालेंगे और इसके कारण भी निकालेंगे, इसके कारण यहां पोटेंशियल क्या है के क्यू अपॉन ए, है ना, के क्यू अपॉन ए। इस पर चार्ज है माइनस क्यू, इसके सरफेस से जितना पोटेंशियल होगा वही अंदर में होता है,
यहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना यहां पर है, तो माइनस में के क्यू अपॉन बी है ना, इसका रिलेशन बी वी बी के ऊपर बात करते हैं इस पॉइंट पर। तो इसके अगर बात करेंगे इस पर चार्ज प्लस क्यू और रेडियस हो गया बी है ना, तो के क्यू अपॉन बी माइनस में भी यहां पर के क्यू अपॉन बी, ये तुम्हारा काम हो गया करने का है ना। अब निकाल सकते हैं वीए माइनस में वी बी, जब वीए माइनस वी बी करेंगे तो दिस माइनस में दिस वन करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास के क्यू अपॉन ए माइनस में के क्यू अपॉन बी, तो के क्यू कॉमन आ गया वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो दिखेगा और यहां से बी माइनस में ए अपॉन ए बी दिखेगा, ये हो गया हमारे पास बी ए माइनस में बी बी। और सी बराबर होता है चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी कर दिए कर लेना सब काम कर चुके हम लोग है ना, ऐसी गर्मी है, हाय गर्मी 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 गर्मी, ये हो गया हमारे पास फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी, ठीक है चार्ज से चार्ज खत्म हो गया तो क्या बचेगा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन बी माइनस में ए, इतना हो गया इसका कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो कुछ नहीं किए यहां तक, तो हम लोग करते ही थे पहले, बस चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए, मेरा काम बन गया, इसका कैपेसिटर आ गया। यानी कि अगर हम कह दें ए से लेकर के बी तक के बीच हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कन्फाइंड करके रखा है, तो हमारा इस दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस तैयार हो चुका है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्योंकि हमने बाहर में अर्थिंग करके रखा है। समझ में आ गया मेरा बात, कौन हो कष्ट छापो। अगला है हमारा, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, क्या है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरह से है ना, और ये रहा आउटर सिलेंडर, ठीक है, यानी कि दो कंसेंट्रिक सिलेंडर हमने लिया हुआ है और इसका रेडियस हम कह रहे हैं स्मॉल ए और इसका रेडियस हम कह रहे हैं स्मॉल बी है ना। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज हमने दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया प्लस, तो हम कह रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कन्फाइंड हो जाएगा और हम बाहर वाले को अर्थ कर दिए, कोई दिक्कत है, बाहर वाले को अर्थ कर दिए। तब एक बात बताओ, हम सीखे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, यहाँ पर अगर किसी आर डिस्टेंस में बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है क्या, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो होता है ना, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हमको निकालना है चार्ज, हमको पता है चार्ज हमने दे दिया यहाँ पर प्लस क्यू दे दिए, ठीक है, हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है माइनस में ई डॉट डीआर, क्योंकि इस बार हमको अभी नहीं पता कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो भाई सीधा सीधा यही लगा दो फॉर्मूला है ना, पता है सिलेंडर के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है ना, वो सिखा चुके हैं, अगर नहीं पता है तो भाई लगाओ ई डॉट डी आर का वैल्यू, को उपाय तो है नहीं, तो ई अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल काउंट करने के लिए, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी इनिशियली हम यहाँ थे और फाइनली हम यहाँ पहुंचेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हम पहुंचेंगे ऐसे, कोई दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो इनटू डी आर, और शुरुआत में हम बी डिस्टेंस पर, बाद में हम पहुंचे ए डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास रहेगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो वन अपॉन आर हो जाएगा एल एन आर फ्रॉम बी टू ए, कोई दिक्कत है, तो माइनस अगर हम अंदर भेजेंगे तो हमारे पास मिलेगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो, माइनस भेजते हैं अंदर में तो क्या हो जाएगा, देखो यार अच्छा माइनस नहीं भेजो, अच्छा ऐसे ना भेजो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से एल एन माइनस यहीं पर है एल एन ए माइनस में एल एन बी बोलोगे ना जी, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो अगर हम माइनस अंदर भेजेंगे तो ये वाला आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, एल एन बी माइनस में एल एन ए हो जाएगा है ना। अब इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए, ठीक है, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो एल एम बी अपॉन ए, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
डिफरेंस। अगर हम मान लें कि इसका जो एल लेंथ में हम बात कर रहे हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो वही लिख सकते हैं लैम्डा के जगह पे, है ना, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख लेंगे। तो यहां से हमारे पास कैपेसिटर्स का वैल्यू आ जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा एल अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, और यहां पर एल एन बी अपॉन ए। तो लैम्डा से लैम्डा खत्म हो गया, तो सी का वैल्यू जो आ रहा है, देखो सी नहीं मिला है, सी अपॉन एल मिल गया, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसका वैल्यू आया 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन एल एन बी अपॉन ए, है ना, दिस इज योर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं, लिख लेना यहां पर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, छाप लो। ये हुआ हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, है ना, ये प्रयोग देख लेते हैं। हाँ चल रहा है, बहुत दिक्कत ठीक है। तो कैसे कैसे हम लोगों ने काम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से इधर की तरफ चलेगा, तो हम लोग जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो बताए थे कि इनिशियली हम लोग इस साइड में रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए हमने शुरुआत में बी बोला और बाद में ए बोला है, इस फॉर्मूला को लगाते रहो, यानी कि शुरुआत में ऐसे बी तक कर लेना, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स से हमको फॉलो करते हुए ही चलना है, ठीक है। और उसके बाद हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, चाहो तुमको अगर पोटेंशियल पता हो यहाँ पर, तो जैसे ए बी का जैसे पीछे काम किए तो वो भी घटा उटा कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था इसलिए हम सीधे काम कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, इसमें छप लो। यहाँ पर देखो इस वाले में क्या रहा है कि दो हमारे पास सिलिंड्रिकल वायर है, लेकिन इस बार पहले था अंदर में था वायर, इस बार दोनों बाहर में है ना, और ये आइडेंटिकल शेप का है और इसका भी रेडियस आर दिया हुआ है, स्मॉल आर, ठीक है। और इस दोनों को हमने डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और डी डिस्टेंस हमारा बहुत बड़ा है ना, डी डिस्टेंस आई मच मच ग्रेटर देन आर है, ठीक है। तो अब हम निकालना चाहते हैं इसके कारण इसका कैपेसिटेंस, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा हमको निकाल लेते हैं। हमको एक बात बताओ, यहाँ से तक डिस्टेंस अगर हम एक्स कह दें, ये डिस्टेंस अगर एक्स है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस में एक्स हो जाएगा, देखो तो अगर ये एक्स है डिस्टेंस, ये डी माइनस में एक्स में हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर हम इस एक्स जगह पर या फिर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना होगा, इस प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवेयर होगा इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ होगा, क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एक्स एप्सिलॉन 0 उधर की तरफ, है ना, इन दिस डायरेक्शन ई प्लस, और माइनस वाले कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो भी लिख लेते हैं, वो माइनस वाला मतलब उधर ही जा रहा है इसलिए उसको प्लस भी लिखेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई, और इस बार ये डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस में एक्स, तो डी माइनस में एक्स एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना, इस जगह पे। अब हमको इसी को इंटीग्रेट कर देना है तो मेरा काम बन जाएगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस में ई डॉट डी आर इन करेंगे, तो माइनस में ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, इसी को सॉल्व करना है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, है ना, 2 पाई एक्स एप्सिलॉन 0 प्लस में लैम्डा अपॉन 2 पाई डी माइनस में एक्स एप्सिलॉन 0, है ना, इंटू डी आर इंटू दिया बनेगा। कहां से कहां तक चलेगा, अब देखना ध्यान से, कहां से कहां तक चलेगा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, है ना, पहुंच सॉरी यहां स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको चलना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर का वैल्यू क्या है r, देखो यहां से तक r, है ना, डिस्टेंस ये हो गया r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से तक पूरा का पूरा d था, तो d माइनस में r हो जाएगा, है ना, ऐसे आए हैं इधर से क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम आएंगे इससे इधर, है ना, R से लेकर के D माइनस में R तक चलेंगे, R से लेकर के D माइनस में R तक, ठीक है, कोई दिक्कत है, चल ठीक है। लैम्डा अपॉन 2 पाई, अब माइनस निकाल लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, अंदर में क्या क्या बचा, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, क्योंकि डी आर तो अब लेंगे नहीं क्योंकि हम x में वेरिएशन बात कर रहे हैं, डी एक्स लिखेंगे, और प्लस में हो जाएगा 1 माइनस में d माइनस में x इंटू डी एक्स, आर से लेकर के d माइनस में r तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0, इसका हो जाएगा, यहां से समझ सकते हो ln x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ln x मतलब d माइनस में x, और माइनस मल्टीप्लाइड है इसलिए माइनस 1 से डिवाइड भी करते हैं,
और अब अपर लिमिट पुट करना है, डी माइनस में आर पुट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेना है, तो तुम लोग को रिजल्ट मिलेगा ये पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। कैपेसिटेंस सीधा से हम लिख देते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मिलेगा हमको पाई एप्सिलॉन जीरो, और एल एन डी माइनस में आर बाय आर, है ना, ये रह जाएगा। तुम लोग के ऊपर ये छोड़ दे रहा है, इतना तुम लोग कर सकते हो। अपर लिमिट पुट करना है डी माइनस में आर, फिर स्मॉल आर घटाओगे तो आ जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। और लेमडा के जगह पे वही यूज करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतना तुम लोग का काम है लाना, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, जल्दी से चल रहा है, भाषण दे सकते हो, ठीक है। तो प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, तो इसी के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड करके रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड करके रखा है तो हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अपने अंदर में होल्ड करेगा। मूवमेंट करने का तरीका सिखा चुके हैं, इधर से इधर ही जाएंगे। अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालने पूछा जाए तो यहाँ पर खत्म हो गया, कैपेसिटेंस भी हमें निकालना है। देखो इस तरह का एक सिस्टम था, अभी हम लोगों ने पीछे एक कंडक्टर को देखा था, कंडक्टर के पास हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया था, हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इन्फिनिटी तक में कैरी आउट था, है ना, और कैपेसिटेंस जो है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहा था कन्फाइंड किया हुआ था, इसके सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन इस बार उसी तरह से सिस्टम है, यहाँ पर अभी भी हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, ठीक है। इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, प्लस क्यू दे दिए हैं, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है अभी, ऐसे अभी भी जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन बीच में ही कुछ डिस्टेंस यहाँ तक आर टू तक एक ऐसा मीडियम है जिसको डायलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, और इसके कारण से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हमको एप्सिलॉन आर टाइम्स कम मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजें वही होंगी, चार्ज इसमें नहीं है, चार्ज सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से उठ करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से इन्फिनिटी से पहले यहाँ तक आएंगे, फिर आर टू से लेकर कार्बन तक आएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके, सॉरी नेट पोटेंशियल निकालते हैं पहले, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, यहाँ पर है कुछ ई वन कह देते हैं, है ना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू कह देते हैं, ठीक है। तो हम पहले बोलते हैं ई वन कितना हो जाएगा, माइनस में ई वन डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर टू तक आएंगे, पहले इन्फिनिटी से R2 सरफेस तक आएंगे, फिर R2 से लेकर के R1 सरफेस तक आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, तो हम अपोजिट ही मूव कर सकते हैं, ये बेहतर लिखे, माइनस में E1 डॉट ऑफ dr वेक्टर R2 से लेकर के R1 तक आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा बाहर में, तो चार्ज है Q, तो K Q अपॉन यहां का डिस्टेंस R, है ना, ये जो भी है R मान लेते हैं, यहां पर स्मॉल R ही मान लेते हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे K, इसका चार्ज Q, K के जगह लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि हवा में है, R तो होगा नहीं, अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू dr हो जाएगा। सिमिलरली माइनस में क्या लिखोगे, यहां पर इसका लिखोगे इनफिनिटी से लेकर के R2 तक में, और इसका लिखेंगे R2 से लेकर के R1 तक में KQ अपॉन R स्क्वायर, K के जगह फिर से लिख लेते हैं भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, इनटू R का स्क्वायर इनटू dr, क्लियर है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं KQ / R² होता है हवा में होता है, लेकिन किसी दूसरे मीडियम में एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है ना, तो वही मीडियम है हमारे पास इस बार, ठीक है, मीडियम आ चुका है इस बार ये E2 वाले में, है ना, क्या उल्टा पढ़ लीजिए, यहाँ पर E2 है ना सेकंड वाले मीडियम में, यहाँ पर हमको एप्सिलॉन आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा इनटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरे अच्छे से लिख देते हैं, इस वाले में एप्सिलॉन आर से कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर स्क्वायर इनटू dr हो जाएगा, क्लियर है। बाकी चीजें तुमको समझ में आ ही रहा है, इसका सब चीज को निकाल लेते बाहर, क्या बोलेगा k1/0 बाहर आ गया, क्या 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r पढ़े है ना, -1/r हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के आर टू तक में, माइनस तो है ही, ठीक है। अब फिर यहाँ पर माइनस होएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर हो जाएगा -1/r आर टू से लेकर के आर वन तक में, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले माइनस ही अंदर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो
वन अपॉन आर हो गया इन्फिनिटी से लेकर के आर टू तक में, और यहाँ भी माइनस अंदर भेज देंगे तो ये प्लस जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन फोर पाई ऑप्शन एन जीरो ऑप्शन आर वन अपॉन आर आर टू से लेकर के आर वन तक। अब तुम्हारा काम है पर लिमिट वगैरह पुट करना, और इसके बाद तुमको जो रिजल्ट मिलेगा सीधे सीधे हम कैपेसिटेंस का वैल्यू देते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस का वैल्यू तुम लोग को निकालना है फोर पाई ऑप्शन जीरो, ठीक है, फोर पाई ऑप्शन जीरो ऑप्शन आर आर वन आर टू आर वन आर टू, ये सॉल्व करना है और सबको भेजना है यहाँ पर, ठीक है ना। आर टू प्लस में आर वन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा क्योंकि मोबाइल हो रहा है पूरा गर्म है ना सर, ठीक है। इतना आ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे पता चल चुका है ना, सी बराबर जाए क्यू अपॉन बी, जो भी यहाँ से निकालवे करो क्यू खाली डिवाइड होगा पुट करोगे आंसर, ठीक है बंधुआ मैं चिंता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का अभी तक का कैपेसिटेंस इस तरह से, ये एक्चुअली में इस तरह से सिस्टम है कि अर्थ के चलते एटमोस्फेयर हवा है ना, तो वो उस वजह से मीडियम है यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक मीडियम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कुछ डायलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर, अभी पर समझ लो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही यहाँ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ओके। छाप लो, अभी मैं इसी पर एक सवाल और करवा दूँ दूसरा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इस बार क्या कर रहे हैं कि दो ये सवाल लिटरली अच्छा है, ये तुम लोग को हम देंगे अभी बनाने के लिए, ध्यान समझना मेरी बात को, पहले हम कर क्या रहे हैं, पीछे का सवाल समझ में आया था ना उसी तरह से अब ये भी बनाना है, कुछ नहीं करना है। एक यहाँ से याद है देखो, एक स्फेयर है कुछ इस तरह से, अगर नहीं समझ आ रहा है पिक्चर तो ये देखो एक स्फेयर ये एक स्फेयर ये, ठीक है। और इसमें जो है इसका रेडियस ए दिया हुआ है और इसका रेडियस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर रेडियस तक है ना, ये आर रेडियस तक एक अलग सा मेटेरियल भरा हुआ है के वन और उसके बाहर में के टू भर दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ से यहाँ तक में कन्फाइंड कर दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक में कन्फाइंड कर दिया गया, तो कह रहे इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, जबकि यहाँ पर हमने चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ प्लस क्यू है यहाँ पर माइनस क्यू है, तो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सॉरी पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हम उल्टा आएंगे, उल्टे डायरेक्शन में आएंगे, कहां से कहां तक, यहां से पहले यहां तक आएंगे फिर यहां से तक आएंगे। तो कैसे कैसे निकालेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होगा, मान लेते हैं हम ई वन कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू हो जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा ई वन और यहाँ पर हो जाएगा ई टू। ई वन क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन है ना इतना बाय है ना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर के जगह पे लिखना है के टू और यहाँ पर एप्सिलॉन आर के जगह पे के वन लिखना है, बस इतना ही। तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम क्या बोले क्या माइनस में यहां पर कितना ई वन डॉट ऑफ डी आर और फिर माइनस में ई टू डॉट ऑफ डी आर यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक में यानी बी से लेकर के आर तक है ना, बी से आर तक और यहां पर आर से लेकर के ए तक, ये डिस्टेंस है बी ये है आर, तो बी से आर तक ऐसे बी से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और फिर आर से ए तक, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। पिक्चर तक गया, सबको समझ में आ गया। तो अगर हम अब बात कर रहे हैं यहां पर तो क्या लिखेंगे, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना लिखो, ई वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के वन अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह पे के वन लिखेंगे, सॉरी के टू है ना, यहाँ पर के टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, क्यू अपॉन है ना वन अपॉन क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू आर स्क्वायर इंटू डी आर है ना। सिमिलरली फिर माइनस लिखेंगे इस वाले का ई टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के वन आर स्क्वायर इंटू डी आर और ये हो जाएगा हमारा बी से आर तक, यहाँ पर आर से लेकर ए तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधे हम सी का वैल्यू हम बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है तुम्हारा काम है, पीछे सॉल्व किए हुए थे। सी का वैल्यू जो आएगा ठीक है वो बता रहे हैं फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है चल रहा है जी, डर लग रहा है कुछ भी लिखने के से माथा खराब हो रहा है। वन अपॉन के वन ए कितना बड़ा है, वन अपॉन के वन ए माइनस में वन अपॉन के टू बी, ठीक है प्लस वन अपॉन आर वन अपॉन के टू माइनस वन अपॉन के वन, वन अपॉन के टू माइनस वन अपॉन के वन पर पावर माइनस में वन, ठीक है इतना हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, ठीक है।
चार्ज दिख ही रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये कैपेसिटर्स, निकालने का ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्यूशन करके भेज देंगे टेलीग्राम ऐप पे। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे तुम लोग सॉल्व करोगे यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम सबसे पहले ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकाल दिए कैपेसिटर्स के, भारी भारी क्वेश्चन जो आते हैं जिससे कैपेसिटर्स निकालने बोलता है हम पहले ही निकाल दिए। अब बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके ऊपर पूरा चैप्टर रन करेगा, कोई दिक्कत है छाप लो यहाँ तक। कुछ बोलना है? अच्छा करके दिखा दें, देखो ये सब तो कॉन्स्टेंट है ना जी, यहाँ से करते हैं के टू के वन सब तो कॉन्स्टेंट है, पकड़ के बाहर निकाले तो रुमाना कौन आ गया, बन गया कुछ है नहीं, सॉल्यूशन तो वही आएगा, कुछ नया बनने वाला है नहीं, ठीक है। छपो छपो छपो, अब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि दो हमने पैरेलल प्लेट लिए है, ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, और इस दोनों को हमने किसी डी डिस्टेंस तक रखा है, ठीक है ऐसे। तो इस पूरे पर प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर ऐसे करके प्लस चार्ज आया होगा और इसका माइनस चार्ज आया होगा, और इसका प्लेट एरिया है ए, प्लेट एरिया कितना है ए दोनों का, और दोनों लार्ज सीट है, बहुत बड़ा बड़ा सीट है। तो हमको बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, याद है पढ़े थे ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इधर की तरफ प्लस वाले कारण, ये सब सीखे हैं पूरा का पूरा, माइनस वाले कारण भी इधर ही होगा, क्या हो जाएगा प्लस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, सिग्मा बराबर क्या देगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम लिख दिए। तो यहाँ से आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले का हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे ही जा रहा होगा, तो हम सीखे थे ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी बराबर क्या देगा माइनस में ई डॉट डी आर है ना, तो माइनस में ई कितना है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, और डी आर यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना है डी ए, क्योंकि तो पूरा कॉन्स्टेंट है, तो डी आर को जोड़ोगे यहाँ जीरो से लेकर डी तक जाएंगे या फिर डी से लेकर जीरो तक आएंगे, सुमान डिस्टेंस कितना है डी ए है ना, डी से लेकर के जीरो तक, तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, पकड़ के बाहर निकाल देंगे तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए माइनस में हो गया, और डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर हो जाएगा, और अपर लिमिट पूरा करेंगे जीरो से लेकर के ए तक, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा सिर्फ डी मिलेगा, यानी q अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए इंटू डी हो गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो c बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन डेल्टा v है ना, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो गया a एप्सिलॉन जीरो है ना, a एप्सिलॉन जीरो बाय टू डी कहां से आ गया जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो टू क्या बात है, ठीक है ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी मिलेगा तुमको कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस इसका, तो सी जो कैपेसिटेंस आ रहा है, जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। तो हमको यहां से दो बात ऑब्जर्व हो रहा है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, यानी कि अगर हम जितना बड़ा एरिया का सीट लेंगे, सीट समझ रहे हैं बात, दो चौड़े वाले सीट हैं जी, ठीक है क्या हम बोले पेज भी नहीं है, पैसा पेज है तो हमको मिला भी तो, ठीक है ठीक है। ये देखो दो सीट थी, ऐसी दो लंबा लंबा सीट है, और जितना बड़ा एरिया का ये सीट लेंगे उतना ज्यादा हमको कैपेसिटेंस मिलेगा, और जितना डिस्टेंस छोटा होगा यानी कि ये ऐसे रखने से कैपेसिटेंस कम मिलेगा, बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, जितना नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा, हम जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, तो हम क्या बोले थे कि जितना छोटे डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करना पड़ेगा उतना ही बेस्ट कैपेसिटेंस हमको दिखेगा, जो हम अभी दिखा भी रहे हैं तुमको, कोई दिक्कत नहीं है ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले कॉपी कर लो, अगर हम इसका पिक्चर देखा है कैपेसिटर हमको कैसा दिखेगा,
हम ऐसे बता सकते हैं कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है। और हमने इसको चार्ज दिया, चार्ज कैसे दिए होंगे उधर के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन तुमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए भाई, ए ऑप्शन 0/D होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू, ओके, ठीक है ना, छाप लो पहले जल्दी। यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट को हमने है ना इधर का इरेज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है, आज भी बड़बड़ा जाएगा फिर हो ही नहीं रहा। एक प्लेट ऐसे है और दूसरा प्लेट ऐसे, ठीक है, दिख गया, इसका एरिया है ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बी, ठीक है, यही है पूरा कहानी। हमने इस पर प्लस चार्ज रखा हुआ था है ना, और इस पर माइनस चार्ज आ चुका है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात, छाप लो जल्दी से। अब दो कंडीशन हम बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये है कि एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, और हम कह रहे हैं कि इस पर अगर हम बोल दें कि 5q चार्ज ले लिए, इस पर हम q चार्ज ले लिए, दोनों पे प्लस चार्ज रखे हैं, ठीक है, और तब हमको बताओ, ठीक है, तब हमको बता इसका कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, पहला तो ये है, इस पर 5q है, इस पर q है, सबसे पहला नंबर में ऐसा अगर उल्टा पुल्टा में बोल की रहे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है, हमको पता है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, तो 5 1 6/2 आधा इधर की तरफ होगा, प्लस 3q इधर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा प्लस में 2q, और यहाँ प्लस 2q हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 2q आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2q होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लस में 3q आएगा, ये हम बता चुके हैं पहले ही। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो यही दोनों के कारण है ना, ये चार्ज आएगा ना इसके कारण, ठीक है, इस चार्ज को बताए थे चार्ज के लिए हम यही चार्ज लेंगे है ना, कितना 2q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेंगे बताओ मुझे, सिग्मा अपॉन 2 होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है ना, इसके कारण इसके कारण भी उधर ही होगा, तो मतलब बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, नो है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर क्या देखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज लिखोगे 2, ठीक है, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। तो हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस सी बराबर क्या लिखोगे, सी बराबर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज कितना है हमारे पास 2q, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस हो गया डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, इतना ई इंटू डी कर लेते हैं है ना, तो अगर हम यहाँ से लिख लें डेल्टा बी बराबर ई इंटू डी, तो ई तो दिख रहा है ना जी, 2q अपॉन ए ऑप्शन 0 इंटू डी, इज इट ओके, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा 2q डी अपॉन ए ऑप्शन 0, 2q से 2q खत्म हो गया, क्या बच गया ए ऑप्शन 0/D। तो अगर चार्ज का कुछ भी नौटंकी हो भी रहा है तो भी हमारा कैपेसिटी जो है इसका फिक्स है, कैपेसिटी एक मान लो कंटेनर है, कंटेनर जो भी एक बर्तन है, बर्तन तो बर्तन ही होता है, उसमें हम चार्ज रखे नहीं रखे कुछ हो रखे, बर्तन जितना खाली स्पेस बना के रखा है वो तो उतनी ना रहेगा, ठीक है, इसमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है, आज छोड़ देते हैं जी, आज बहुत डिस्कशन हो चुका है, अगले वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि गर्मी से परेशान परेशान हो चुका है पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है, चल रहा है मुझे, हाँ चल रहा है, तो मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक का सारा सवाल पहले जितना भी सवाल करवाए हैं इन सारे सवाल को कर लो पहले, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे है ना, लगता है वीडियो थोड़ा लंबा खिंचाएगा है ना, सोचे थे 4-5 वीडियो में निपट जाएगा, लेकिन लगता है ज़्यादा जाएगा।